तो ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट वीडियो होगा, ये भी डलेगा या नहीं डलेगा। भाई पिछले 2 घंटे से जंगल में चल रहा हूँ, ना कोई नेटवर्क है ना कुछ है, बहुत ये लिया है अब, बहुत ही घमासान जंगल है। तो ये खतरनाक और सुंदर से रास्तों से भरा हुआ एक जंगल है जो कि हमें क्रॉस करना है, और हमें जाना है, देखो शायद आप देख पा रहे हो कि उधर सामने ऊपर उधर जाना है। 16-17 किलोमीटर का ये ट्रैक है, रुद्रनाथ का ट्रैक है, रुद्रनाथ ट्रैक कहते हैं इसको। ये बहुत ही टफ ट्रैक है ऐसा बोलते हैं, ये कैलाश जो कैलाश यात्रा है उससे 2nd नंबर पर आता है टफ ट्रैक में ये। तो मैं सोलो कर रहा हूँ ये, तो चलते हैं ट्रैक पर, दिखाते हैं आपको ट्रैक की खूबसूरती। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, वीडियो को पूरा देखना टुंगनाथ की तरफ। तो सांस थोड़ी फूल रही है क्योंकि शॉर्टकट ले लिया एक। तो मैं हूँ रुद्रनाथ के ट्रैक पर, और पीछे देख रहे हो आप घमासान जंगल ही जंगल, नीचे भी इधर की तरफ से आते हैं। ये एक शॉर्टकट है, आगे वाला रास्ता उधर से, ये शॉर्टकट अपने 6 किलोमीटर बचा देता है, तो इसलिए लिया शॉर्टकट, पर ऐसा लग रहा बाहर ही पड़ जाएगा। तो चलते हैं, रास्ते दिखाते हैं आपको, जंगल है, जानवर वगैरह का यहाँ ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ कोई जानवर हो यहाँ पर फिर भी जंगल डर डर तो लगा ही रहता। तो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको ये सबसे टफेस्ट ट्रैक है अपनी लाइफ की। यहाँ पर अब थोड़ा सा ऊपर आ गए, प्यास लग रही थी पानी भी, और अभी जंगल बहुत ही सुंदर भी है, हर सुंदर चीज़ को पाने में वक्त तो लगता ही है। तो ये भी पार हो जाएगा जंगल, उसके बाद बहुत सुंदर रास्ता आने वाला है, मिलते हैं आगे मिलेंगे। मन कर रहा है मैं इसमें नहा लूँ एक बार, बट ये ज़्यादा गहरा नहीं, मेरे पास छोटा सा है, इसमें नहा लूँ पूरे बहुत है, आपको बच के रहना पड़ेगा, बाकी आगे का सफर देखते हैं क्या होता है, अभी तो बहुत ही खतरनाक सफर है। तो ये पहचान होती है और आपको रास्ता भटक जाते हो इस जंगल में, तो ये इस टाइप के कपड़े बंधे हुए हैं। हालांकि ऐसा ट्रैक जो है वो छोटा सा बना हुआ है, पर कहीं कहीं ये ट्रैक बारिश की वजह से मिस हो जाता है, तो आप उस कपड़े की मदद से इसको पहचान सकते हो। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, बहुत जगह ऐसे कपड़े बंधे हुए हैं। सोलो भी मुश्किल है, बट आओगे तो अच्छा लगेगा। देखो वो सामने बंधा हुआ है कपड़ा, और आगे तक, क्योंकि जंगल अब और भी ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। एक कपड़ा ये रहा, ट्रैक हालांकि दिखाई दे रहा है अभी तक सुंदर है,
और ख़तरनाक भी है। तो आगे आगे दिखाते हैं। यहाँ ऐसे जूते पूरे भीग चुके हैं, कोई और रास्ता नहीं था। ये घमासान जंगल है पूरा, पता भी नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, पर ये भोले जी की नगरी है, यहाँ कंफर्म पहुंचेंगे पहुंचेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट वीडियो होगा, ये भी डलेगा या नहीं डलेगा भाई। पिछले 2 घंटे से जंगल में चल रहा हूँ, ना कोई नेटवर्क है ना कुछ है, बहुत ये लिया है। अब बहुत ही घमासान जंगल है, इन लोगों ने गलत किया है, पहले पूछ लेना चाहिए था कि बंदा इतनी ट्रैक कर भी सकता है या नहीं कर सकता। पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई, मुश्किल है बहुत, रुकने में डर लग रहा है। हालांकि जानवर नहीं है फिर भी डर तो लगता ही है, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है रियल में ही, वीडियो में नहीं बोल रहा, रियल में ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी भी देख लो जंगलों के बीच में घिरा हुआ हूँ, देखते हैं क्या होता है यार। बहुत टाइम चलने के बाद ये बड़ा सा पत्थर और नीचे एक टीन शेड है, अब लग रहा है कि हाँ कहीं पे पहुँच गए हैं। हालत बहुत ख़राब हो गई है रियल में, कैसे कैसे आया हूँ बस मुझे पता, अब ऐसी गलती नहीं करनी दोबारा। ये टीन शेड है, उसको देखकर थोड़ी सी हिम्मत मेरी बढ़ गई है, पानी भी ख़त्म हो गया था। ये देखो जंगल बिल्कुल घमासान जंगल, कोई नहीं दूर दूर तक, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत देर पहले कहा जाता अगर ये बैग मुझे परेशान ना करता तो, बैग ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। इस तरीके के पत्थर होते हैं यहाँ पर, सभी पत्थर पेड़ सभी पे घास हुई है, झरने के बाद चिड़ियों की आवाज़। हालांकि अच्छी बात ये लगी यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, कोई बिल्ली तक भी देखने को नहीं मिली अभी तक, जिस चीज़ का मुझे डर था। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ से बताते हैं 200 या 300 मीटर ही दूर है ऊपर बस कैंप से अभी बहुत दूर है, लगभग 11-12 किलोमीटर है कैंप से भी। ट्रैक पर ट्रैक आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, अभी तो जंगल है, इससे निकलना है बस, फिर नहीं आऊँगा इसमें कभी भी। तो बढ़ते हैं आगे दिखाते हैं आपको। उस पत्थर से भी कम से कम 500 मीटर में चल चुका हूँ ऊपर, और अभी तक मुझे कोई भी कैंप वगैरह नहीं दिखाई दिया। वो भैया बोल रहे थे कि 200 मीटर दूर होगा, बट पानी की वजह से, पानी की आवाज़ आ रही है बट वो बहुत नीचे से आ रही है तो साइड में ही, बट बहुत नीचे उतरना पड़ेगा फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और इसकी वजह से मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। मुझे लगता है शायद रेस्ट करना पड़ेगा आधा घंटा यहीं पे, तभी मैं ऊपर जा पाऊँगा। बहुत ही टफ ट्रैक है ये, जैसा कि बताया था पूरा जंगल ही जंगल है। अगर देखोगे आप बड़े बड़े पत्थर जंगल, कोई दूर तक कोई नहीं है, कोई इंसान हो तो हिम्मत बनती है कि हाँ जी चलो चल लेते हैं, बट यहाँ पर कोई नहीं है। अगर आप अकेले और आना चाहते हो तो अवॉइड ही करो इस वाले रास्ते को, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, माइनस में भी परसेंट नहीं है मेरे जो मैं इसको रिकमेंड करूँ कि हाँ इस वाले रास्ते पर आ जाना। आप उधर से 22 किलोमीटर आ जाना कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 किलोमीटर के चक्कर में आपकी ज़िंदगी दाव पे लग जाएगी, तो ऐसा कोई भी रिक्स मत लेना। 2-4 जने हो तो आप आ सकते हो, पर अकेले मत आना प्लीज़। और पानी वगैरह खाने के चॉकलेट वगैरह सब चीज़ कैरी करके चलना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं पिछले 4 घंटे से शायद इस जंगल में चल रहा हूँ, मुझे ही पता है क्या है यार। बीच में मैंने हिम्मत बिल्कुल छोड़ दी थी, फिर एक जगह नेटवर्क मिले मुझे ओपन में आके, तब मैंने अपने दोस्त को लाइव लोकेशन भेजी, उससे बोला एक नंबर सेंड किया उसको कि हेल्प के लिए हेल्प भेज भाई,
कैसे भी करके उसने मुझे बताया कि थोड़ा सा दूर चल के वीडियो कॉल चल रही है, ये देखो नेट, देखो वीडियो कॉल चल रही है पर गूगल मैप नहीं चल रहा, तो इस रास्ते को बिल्कुल अवॉइड करना जो भी है। अभी ऊपर पहुंच के दिखाते हैं क्या नहीं क्या। तो कैसे 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 करके वहाँ से तो बच के आ गए, कैंप मिल गए थे, भैया आ गए थे मेरे दोस्त ने, राघव ने भैया को बोल दिया कि वो फंस गया है, उसे ज़रूर जल्दी से जल्दी जाके निकाल के लेके आओ। तो भैया आए थे, भैया ने थोड़ी हेल्प की, बैग वैग पकड़ा तो मैं पहुँच गया, फिर मैं सो गया था आते ही। अभी मैं थोड़ा टहलने के लिए निकला हूँ भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आप अकेले ऐसे ट्रैकिंग करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ऐसा लग रहा था मुश्किल ही पहुँचेंगे। ये देखो गाइस चेक करो जंगल, इसमें नीचे जंगल है वहाँ पे सारा, अब बहुत ही नीचे है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी हमें जाना है। देखो वहाँ पे वो देख रहे हो, छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, कोशिश करता हूँ, वो छोटा सा पेड़ जो दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ पे जाना है। तो अब ये ट्रैकिंग कल शुरू होगी क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ट्रैकिंग कर करके। स्टे भी बहुत अच्छा है, भैया की आदत भी बहुत अच्छी है, आए वहाँ पे हेल्प भी की, 600 रुपये में खाना भी है और रुकना भी है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बट मैं भाई बोलूँगा कि आप अकेले मत आना, मतलब अकेले सोलो ट्रिप करो पर ऐसे रिक्स भरे वो मत उठाओ। देखो यहाँ पे जंगली मुर्गा है एक सामने। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ये तो एक अलग ही वीडियो बन गई है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आगे पूरा रुद्रनाथ का ट्रैक कल सुबह से स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।